नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज आईआरबी इंफ्रा डेवलपर लिमिटेड के बारे में। 3.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है, 69 रुपये 65 पैसे पे करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये आज ही सीख लीजिए। जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसके साथ ही वो निगेटिव न्यूज जुट के आती है, और जब भी कभी निगेटिव न्यूज आती है तो उसके साथ ही पॉजिटिव न्यूज जुट के आती है। और कभी तेजी होती है तो उस तेजी के कारण भी मंदी बन सकता है, तेजी के कारण से भी मंदी आ सकती है, और कभी मंदी आ रही तो उस मंदी के कारण से भी तेजी आ सकती है, या तेजी के कारण से निगेटिव न्यूज आ सकती है। तो उसी तरह की जो है एक कह लें कि खतरा जो है आ रहा है, हालांकि वो उतना बड़ा खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी टेंशन दे जाता है। जैसे सुजलोन वालों के तो दिमाग खराब करके रखा है। एसएम लिस्ट की बात कर रहा हूँ। आज अगर ऑफिशियल देखेंगे हम लोग तो ऑफिशियल कोई भी न्यूज नहीं है। यहाँ पे लास्ट अपडेट जो एनएससी बीएससी पे अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, वो 3 अप्रैल 2024 तक का आया है, और उसके बाद का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। हालांकि एक मीटिंग इनकी थी 4 अप्रैल 2024 की, जो यहाँ पे बताया गया कि अदर बिजनेस मैटर के लिए, लेकिन वो मीटिंग जो है वो हुई नहीं, और उस मीटिंग को मेरे हिसाब से कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना। बोर्ड मीटिंग कैंसिल, यहाँ पे देखिए तो कैंसिल। तो ये एक अपडेट आया था, उसके बाद का कोई अपडेट नहीं है। अगर आज बात करेंगे हम लोग लास्ट डील की, तो देखिए पीओ ट्रॉक्सिस का बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ में 82 नंबर आप लास्ट डील देखने के लिए मिली है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से शुरू हो रहा है नीचे, देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे देखिए 5 अप्रैल आ गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से 8 अप्रैल शुरू हो, तो बहुत ज़्यादा लार्ज डील बड़ी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन एक एक दो दो करोड़ की है, लेकिन 82 नंबर ऑफ लार्ज डील देखने के लिए मिल रही है। दो दो करोड़, दो दो करोड़, यहाँ पे 6 करोड़, यहाँ पे 4.5 करोड़, यहाँ पे देख सकते हो 4 करोड़ के आसपास का है। इसी तरह से 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरह से कई सारी बड़ी बड़ी, यहाँ पे 4.25 करोड़, यहाँ पे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, इस तरह से लास्ट डील यहाँ पे 3.5 करोड़। तो इस तरह से कई सारी बड़ी बड़ी लास्ट डील, या फिर कह लें 1 करोड़ से सारी ऊपर ही हैं तो 82 करोड़। इस तरह से कुछ 2 करोड़ की हैं तो उनको हम लोग ले लेंगे तो टोटल आ जाएगा लगभग लगभग वही 90 के आसपास आ जाएगा, और 3 करोड़ वाली 4 करोड़ वाली भी लेंगे 100 को, तो कुल मिला के 100 150 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे बिकवाली आज लास्ट डील के मतलब हिसाब से हुई है। अब देखिए अभी मैं कुछ दिन पहले इसमें जब वीडियो बनाया करता था तो 20 फरवरी के आसपास ये जो है लास्ट टाइम एसएम के स्टेज से बाहर आया था, शॉर्ट टर्म के लिस्ट से, मतलब शॉर्ट टर्म वाले लिस्ट में गया था, छोटे लिस्ट में, लॉन्ग टर्म में नहीं गया था। इस बार तो लॉन्ग टर्म की भी संभावना बन रही है कि लॉन्ग टर्म में भी जा सकता है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में जा ही सकता है। और एसएम लिस्ट में कब गया था, कब बाहर आया, कैसे कैसे सब कुछ मैं गाइड किया था। तो आगे भी अगर आप लोगों को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे अगर नीचे के साइड में 15 दिन, 5 दिन वाला क्राइटेरिया तो अभी फिल नहीं करा, क्योंकि 5 दिन में अगर कहाँ गया भाई, 5 दिन में अगर किसी शेयर में 25% की तेजी देखने के लिए मिल जाती है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ जाता है तो उसको शॉर्ट टर्म के एसएम में डाल देते हैं, नहीं तो फिर 15 दिन का क्राइटेरिया आता है। 15 दिन में किसी शेयर में 40% या 40% से ज़्यादा की तेजी हो जाती है तो फिर उस शेयर को भी एसएम के शॉर्ट टर्म के लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ये पहला वाला क्राइटेरिया तो फिल नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला क्राइटेरिया जो है 15% वाला, 15 दिन में 40% वाला, ये लगभग लगभग पूरा कर रहा है, मतलब थोड़े से अंतर से अभी बच रहा है, हो सकता है बच जाए। क्योंकि अगर हम लोग लो से देखेंगे, यहाँ पे जो लो बना है इसका 50 रुपये पे, और वहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है 39.5% आ रहा है, मतलब एकदम एग्जैक्ट 69 रुपये 45 पैसे देख रहा हूँ, तो ये जो है 39.5% आ रहा है। मतलब अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ये ऊपर गया, मतलब 70 70 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग आज देता है ना, तो फिर तो लगभग लगभग कंफर्म मान के चलिएगा कि ये जो एसएम की लिस्ट में जा सकता है। नहीं तो अगर पिछले दिन के क्लोजिंग से हम लोग लेंगे तो क्लोजिंग से कहाँ तक आएगा इसका, क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्लोजिंग से लगभग लगभग 71 रुपये। तो अगर 71 रुपये के ऊपर ऊपर अगर क्लोज करता है तब तो एकदम पैक है, समझ लीजिए एसएम क्लियर जा सकता है। 70 के ऊपर है तो भी संभावना ज़्यादा रहेगा कि जा सकता है, हालांकि क्लियर नहीं रहेगा, क्योंकि लो से लेंगे तो 70 इसका अभी 36 37 37% आ रहा है, लेकिन 30% वाला अगर क्राइटेरिया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देख लीजिएगा,
मेरे हिसाब से अभी तो जाने का बिल्कुल क्राइटेरिया फिल नहीं कर चुका है, लेकिन कर सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सावधान रहने की जरूरत है। खरीदने बेचने वाला अगर आप लोग व्यू पूछोगे क्या है, तो दो चीज़ बताऊंगा। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हैं, आप सोच रहे हो कि इतनी छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और उसमें खरीदारी करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको 61 रुपये 95 पैसे या सीधा कर लें 62 रुपये, 62 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा तब तो ये ठीक है, नहीं तो आप प्रॉफिट बुक करके लिए। अगर यहाँ पे आप खरीदे हो, इधर कहीं खरीदे हो आप लोग, तो प्रॉफिट अगर बुक करना है तो यहीं पे बुक करिए। नहीं तो ये नहीं कि चलिए ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, छोटा थोड़ा थोड़ा नीचे रखेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। ये नीचे आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। तो बुक करना तो यहीं पर बुक करिए, नहीं तो सीधा 62 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा। वहीं पे टारगेट अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 80 रुपये का इसमें मेन टारगेट अभी फिलहाल में मान के चलिए। जब 80 रुपये जाएगा फिर उसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद हम लोग अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसमें जो है वही 78 रुपये से लेके 80 रुपये, जो यहाँ पे देख सकते हो दो मेरी लाइन है फिबोनाची की, ये एक जोन बना रही है, तो ये वाला टारगेट मिल सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस तरह के अगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो मैं एक प्राइवेट ग्रुप क्रिएट किया हूँ, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा।